एपिसोड 178 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। असुर ड्रैगन बोलता है, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई हमला करने आएगा। यज्जू बोलती है, किसे पता था कि चैन टैनून में जाकर वहाँ पर टॉप में आ जाएगा। मुंह बोलता है, जितना मुझे समझ में आ रहा है हमें एक सेरेमनी रखना चाहिए जहाँ पर डीटी चैन को डिवाइन डीटी बोले। जू बोलती है, हाँ ये सही बोल रहा है, अब से हमें डीटी चैन को डिवाइन डीटी बोलना चाहिए। यज्जू अपने मन में बोलती है, सही में मास्टर बहुत ही ताकतवर है, अच्छा हुआ कि मैं उन्हें फॉलो करने का डिसीजन ली थी। फिर हमें क्लाउड माउंटेन में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, अंकल सू आपका क्या हाल है, क्या आप बाहर टहलने के लिए निकले हो। तभी सू का बेटा आ जाता है, बोलता है, पापा यहाँ पर कुछ वेस्टर्न फाइनेंशियल ग्रुप आए हैं, वो चाहते कि हमारे फैमिली के साथ वो बिजनेस करें, हमें सिर्फ चाइना के सी से स्पिरिचुअल पत्थर निकालना है, इसके लिए हमें एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा, जितना स्पिरिचुअल पत्थर मिलेगा उसमें हमें हिस्सा मिल जाएगा। सू बोलता है, क्या तुम राजी हो गए हो क्या। फैंग बोलता है, अभी तक हाँ नहीं बोला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे पूछने आया हूँ। सू बोलता है, फिर मना कर दो, हमारा फैमिली ये सब काम नहीं करता है। फैंग बोलता है, अगर ये बिजनेस करेंगे तो हम लोग बिलियन कमा पाएंगे। सू बोलता है, क्या तुम्हें मेरा डिसीजन पे कोई प्रॉब्लम है क्या। फैंग बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, वो लोग टाइनी सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, हम लोग उनके रिसोर्सेज को सेल करके बहुत ही अच्छा कमीशन पा सकते हैं। सू बोलता है, टैलिन सेक्टर, ये तो वही एम्बर का है ना। सही में तुम्हारा बहुत ही हिम्मत हो गया है एम्बर के बारे में यहाँ पर बोलने का, तुम्हें पता नहीं है क्या वो बीकांग सेक्टर पर हमला किया था। फैंग बोलता है, लेकिन एम्बर बोल रहा था कि वो गलत फहमी था। सू चला के बोलता है, सही में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, वो लोग कुछ भी बोलेंगे और तुम उनका बात मान लोगे। फैंग मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ तुम्हें, हमारा फैमिली यहाँ तक आया है क्योंकि हमारा डिवाइन चैन के साथ थोड़ा कनेक्शन है, हालांकि चैन अभी हमसे गुस्सा नहीं है। जब वो बाहर आएगा और उसे पता चलेगा कि एम्बर यहाँ पर हमला किया है और उसे ये भी पता चल जाएगा कि हम लोग उसके साथ हैं, तो तुम्हें पता ही है वो हमारे पूरे फैमिली को तबाह कर देगा। जाओ हमारे फैमिली के सभी लोगों को बोल दो कि चैन फैमिली के कितने करीब हो सकता है उतने करीब जाओ, अभी हमें फ्यूचर में और भी आगे जाना है। फैंग बोलता है, ठीक है पापा मैं समझ गया। फिर वो अपने मन में बोलता है, बाहर में जाओ, यूरोपियन कंपनी और टैंगलिंग सेक्टर हमारे फैमिली के साथ डिवाइन ड्यूटी है, हम लोग जितना चाहे उतना अमीर बन सकते हैं और आगे चलकर बहुत ही लंबा जी सकते हैं। दूसरी तरफ हमें यूनिवर्स में दिखाया जाता है, पृथ्वी में बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। वो बोलता है, हम लोग आखिरकार पृथ्वी में आ ही गए, सही में ये प्लैनेट कल्टीवेशन वाला है, हम लोग यहीं पर रुकते हैं और जाओ जाकर सभी को बता दो, अगर जिंदा रहना तो उसी डोजो का सेवा करो। विन बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। फिर वो पृथ्वी की ओर जाने लगता है। फिर हमें बिगोंग सेक्टर को दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, क्या ये जिंगाई सेक्टर से आ रहा है क्या। नहीं ये तो उसी सेक्टर का है, उनका कपड़ा से समझ में आ रहा है कि वो लोग उसी सेक्टर से है। धत तरीकी अब हम लोग गए, डिवाइन चैन ने फोर्ट होलीसन को मार डाला था, अब वो लोग हमें मार डालेंगे। यंजू बोलती है, ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें दुश्मनों को सामना करके बिगोंग सेक्टर को बचाना ही होगा। विन बोलता है, मैं यहाँ पर होलीसन का एक मैसेज लेकर आया हूँ, सभी नेशनल सोल को ये बोला जाता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो उसी सेक्टर के साथ मिल जाओ। एक आदमी बोलता है, तुम वही होलीसन हो जो पृथ्वी को तबाह करने वाला था, हम लोग तुम्हारी ऑर्डर क्यों माने। दूसरा आदमी बोलता है, और इसके अलावा हम लोग कभी भी डिवाइन डीटी चैन के खिलाफ नहीं जाएंगे। विन बोलता है, सही में तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा दम है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने होलीसन के खिलाफ बोला है, मार डालो इसे। फिर वो उसे मार डालता है, बोलता है जो भी खिलाफ जाएगा उसका भी यही हालत होगा। दूसरी तब एम्बर अपनी टीम को लेकर उसी से मिलने चला जाता है। वो बोलता है, तुम सभी लोग नकली नेशनल सोल लेवल हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरा जूनियर ये प्लैनेट में ऑर्थोडॉक्सी छोड़ के गया था, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। एम्बर बोलता है, अपने जो ऑर्थोडॉक्सी यहाँ पर छोड़ के गए थे उसे चैन बैक्सियों ने एक साल पहले तबाह कर दिया था, जो डिवाइन और सन ड्राइन का ऑर्थोडॉक्सी को भी तबाह कर दिया था। एक आदमी बोलता है, उसकी इतनी हिम्मत कहाँ है चैन बैक्सियों, जल्दी से उसे यहाँ पर लाओ नहीं तो हम लोग उसे मार डालेंगे और फिर उसके सेक्टर को तबाह कर देंगे। एम्बर बोलता है, चैन बैक्सियों अभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो जल्दी ही डिवाइन डीटी बनने वाला है। वो बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ के लोग जो अभी सिर्फ गोल्डन कोड है सभी लोग उसे डिवाइन डीटी बोल रहे हैं। एम्बर बोलता है, चैन बैक्सियों पहले ही सैक्रेड लैंड की ओर चला गया है, लेकिन बिगोंग सेक्टर अभी भी यहीं पर है, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। वो बोलता है, ठीक है चलो वहीं पर। फिर वो सब लोग बिगोंग सेक्टर की ओर जाने लगते हैं। तभी जियू ऊपर देख लेते हैं और बोलती है, जल्दी से शॉर्ट फॉर्मेशन लगाओ, जो सेक्टर मास्टर थे बिगोंग सेक्टर के साथ मिले हुए थे और वो सब लोग उसी सेक्टर के साथ मिल गए हैं। तभी वहाँ पर वो आ जाता है, बोलता है, चैन को हमारे हवाले कर दो नहीं तो हम लोग पूरे क्वांग सेक्टर को तबाह कर देंगे। जियो बोलती है, बाहर में चले जाओ। वो बोलता है, सही में ये लोग प्यार से बात नहीं मानेंगे। फिर वो लोग उस पर हमला कर देते हैं, जियांग यंजू और वो सभी लोग मिलकर उस पर हमला कर देते हैं।
एम्बर अपने मन में बोलता है, सही में ये सोड आयरा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तभी विविन बोलता है, तुम लोग मेरे सामने एक कचरे के समान हो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली एनर्जी किसे बोलते हैं। फिर वो आराम से उसके सभी हमले को ब्लॉक कर देता है। तभी एक आदमी चिल्ला के बोलता है, संभल के जीव, ये इन उजी सेक्टर का टॉप वार्डियर है, ये नॉर्मल वार्डियर से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इन बोलता है, जबकि तुम्हें पता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ, तो कैसा रहेगा कि तुम लोग अभी हार मान लो। तभी मुँह उसके पास जाके बोलता है, अब तुम मरोगे। इन बोलता है, तुम एक ऊंट बीस्ट हो, मेरे सामने बहुत ही कमज़ोर हो। फिर वो उसे चाबुक से पकड़ लेता है और वो उसे वहीं पर मार डालता है। फिर वो जीव पर जाकर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। जियांग चिल्लाते हुए बोलती है, उसे जाने दो, और वो उस पर हमला कर देती है। लेकिन इनको कुछ भी नहीं होता है और वो जियांग पर हमला कर देता है। फिर सभी सेक्टर मास्टर बोलते हैं, चलो सब लोग सीनियर जू को बचाना है हमें। फिर वो जैसे इन पर हमला करता है, इनके फॉर्मेशन से वो लोग दूर फेंका जाते हैं। दूसरी तरफ वो बोलता है, ये फॉर्मेशन सही में बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो इसे कंट्रोल कर रहा है वो बहुत ही कमज़ोर है। इनको बोलो, जो लड़की बहुत ही दिखने में सुंदर है वो टैलेंटेड भी है, सभी को मारने के बाद उसे मेरे पास ले आना, मैं उसे अपना कॉन्क्यूबिन बनाऊंगा। वो आदमी बोलता है, ठीक है मास्टर। दूसरी तरफ इन बोलता है, चैन बैक्सन को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। यंजू बोलती है, मैं अपने मास्टर को कभी धोखा नहीं दूंगी। इन बोलता है, ठीक है, मैं पहले बिगोंग सेक्टर को तबाह करूंगा, फिर इस प्लानिट के जितने भी लोग हैं मैं उन सभी को मार डालूंगा। जियो बोलती है, मेरा मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इन हंसते हुए बोलता है, मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं गोल्डन कोर्ट से डर जाऊंगा। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है, बोलता है, ओ सही में। तभी जियो बोलती है, मास्टर मैं बिगोंग सेक्टर को बचा नहीं पाई। इन बोलता है, तो तुम ही हो चैन बैक्सियन, वो क्लोन तुम्हारा आत्मा का सोल था ना, और तुम डरते थे इसलिए यहाँ पर आ रहे नहीं थे ना। जियांग बोलती है, वो क्लोन था। यंजू बोलती है, क्या हम लोग सही में जीत पाएंगे। चैन बोलता है, मुझे महसूस हो रहा था कि सोर्ड टूट गया है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लोन भेज दिया था, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम लोग बिगोंग सेक्टर पर हमला करोगे। तुमने मेरे नौकर पर हमला किया और यहाँ तक कि मेरे डिसाइबल को भी मार डाला। तभी चैन फिर से मुँह को रिकवर कर देता है। इन बोलता है, तुम्हारा ये स्पेल सही में बहुत ही बढ़िया है, तुम जितना भी यहाँ पर बुला लो मैं उन सभी को मार सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारा डिसाइबल मेरे हाथों में है, मैं तुम्हारे आंखों के सामने इसके बॉडी और आत्मा को तबाह करते रहूंगा। चैन बोलता है, वो ऐसा बात है क्या। तभी वो उस पर हमला करके जियो को सुरा लेता है। दूसरी तरफ वो बोलता है, ये मुझे कोई हथियार की तरह लग नहीं रहा है, ये तो कोई एनर्जी की तरह है। तभी इन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे बॉडी को तबाह किए हो, मैं तुम्हारे बिगोंग सेक्टर को पूरी तरह तबाह कर दूंगा और तुम्हारी इमॉर्टल सोल को पूरे 1000 सालों के लिए डिमोनिक फायर में जलाऊंगा। तभी एक आदमी चिल्ला के बोलता है, डिवाइन डीटी, संभल के, ये इनका डिवाइन डोमेन है। फिर चैन अपने आंखों से उस पर फियरी एनर्जी से हमला कर देता है और वो हमले से वो बीच से कट जाता है। एम्बर बोलता है, ये कैसे हो सकता है, इसका इमॉर्टल सोल तो स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट का है, ये इस पर आराम से हमला कैसे कर पाया। तभी एक आदमी बोलता है, लगता है कि ये कोई स्पेशल टाइप का डिवाइन स्पेल है, सही में ये बहुत ही डरावना था। इन अपने आप को रिकवर करते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तभी एम्बर बोलता है, प्लीज मेरी बात सुनो डिवाइन डेटी, वाड़ी रही आपको इनवाइट करने आया है तो लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी ये चैन पर हमला कर देता है, चैन उस पर हमला करके उसका हाथ को काट डालता है। तभी ये अपने आप को रिकवर कर लेता, बोलता है, चैन बैक्सियन तुम असल में हो कौन, कोई भी गोल्डन कोर्ट इतना ताकतवर होता ही नहीं है। चैन बोलता है, क्योंकि तुमने अभी तक ऐसा देखा ही नहीं है। फिर वो उस पर हमला कर देता है। ये अपने आप को रिकवर करके बोलता है, हे चैन बैक्सियन, अगर तुम मुझे मारे तो रॉयल हाइनेस तुम्हें मार डालेंगे और यहाँ तक कि तुम्हारा बिगोंग सेक्टर भी बचेगा नहीं। चैन बोलता है, मैं पहले ही होली सन को मार चुका हूँ तो दूसरे को मारने में मुझे उतना परेशानी नहीं होगा। ये बोलता है, तुमने ही होली सन को मारा है। तभी एक आदमी बोलता है, इसके अलावा उजी का होली सन, सन श्राइन का होली सन, डिवाइन रिल्म और बाकी के से बड़े सेक्टर को चैन बैक्सियन ने मार डाला है। ये बोलता है, दुनिया में किसी का हिम्मत नहीं है होली सन को मारने का और तुमने से बड़े सेक्टर के होली सन को मार डाला। चैन बैक्सियन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ताकतवर हो और तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है, आज तुम यहाँ पर पक्का मरोगे।